हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है एमपी में पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन से संबंधित जी हां दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा एमपी में पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं 2021 हज़ार -202 के सेशन के लिए फ्रेंड्स एमपी में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं काफ़ी मेडिकल कॉलेज पर वीडियो बना चुका हूँ कि उनमें एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और फ़ीस क्या कितनी लगती है तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश पर रहने वाला है जी हाँ शहडोल मेडिकल कॉलेज में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं एडमिशन प्रोसेस उनकी क्या रहती है और 2021-22 का जो सेशन है वो कॉलेज में कब से स्टार्ट होगा एडमिशन स्टार्ट कब से होंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि फ़ीस क्या कितनी आपको वहाँ पर पे पेमेंट करनी पड़ती है फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप क्या मिलती है आपको एडमिशन की जो प्रोसेस है वो क्या रहती है तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं तेईस एक दो हज़ार इक्कीस को कार्यपाल कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश से रिलीज़ हुआ रिलीज था जी हाँ दोस्तों ये पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एडमिशन ब्रॉसर है ये फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे दो हज़ार बीस इक्कीस का ये नोटिफिकेशन है क्योंकि दो हज़ार इक्कीस का तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं आपके फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुए थे तो आप सभी को बता दूँ फ्रेंड्स दो हज़ार के लिए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो तेईस जनवरी दो से भरना स्टार्ट हो गए थे लास्ट डेट इसकी थी पाँच फरवरी इतने दिन तक आपके फॉर्म भरे गए थे और काउंसलिंग की डेट की बात करें तो ग्यारह फरवरी को आपकी यहाँ पे काउंसलिंग हुई थी अब चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्स हैं सीट्स कितनी हैं और कितने साल का ये कोर्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रशिक्षण अवधि है कितने साल का कोर्स है आपका और कुल सीट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं पहला जो कोर्स है वो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का पी कोर्स है माइक्रो से होता है पाँच सीट है दो वर्ष का कोर्स है ऐसे ही आप देखेंगे पी कोर्स ये है मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन बायो का कोर्स है इसके बाद यहाँ पे बी कराया जाता है तीन वर्ष का कोर्स होता है तीस सीटें यहाँ पे हैं मेडिकल कॉलेज शहडोल में इसके बाद है रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिग्री कोर्स तीन वर्ष का कोर्स है बीस सीटें यहाँ पर हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का भी आपको डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा माइक्रोबायोलॉजी का भी आपको डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा यहाँ पे आपको डीएमएलटी भी मिल जाएगा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स ऐसा ही एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का आपको यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा बीस सीटें इसकी हैं इसके बाद ऑर्थो टेक्नीशियन की बात करें तो बीस सीटें है एक वर्ष का कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स है ओ टी टेक्नीशियन का भी यहाँ पर फ्रेंड्स सर्टिफिकेट कोर्स है बीस सीटें हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स यहाँ से कराया जाता है एनस्थीश टेक्नीशियन ई सी जी टेक्नीशियन का भी कोर्स यहाँ से आप कर सकते हैं दस दस सीटें इसकी हैं आप देख सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम कि आपको फीस कितना पेमेंट करना पड़ता है अगर आप पी जी कोर्स कर रहे हैं तो प्रथम वर्ष में आपको एक लाख बीस हज़ार तीन सौ पचास रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा द्वितीय वर्ष का यहाँ पे एक लाख तिरपन हज़ार पचास रुपये वैसे ही बात करेंगे डिग्री कोर्स का तो फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर का उनहत्तर हज़ार रुपये सेकेंड ईयर का चौंसठ हज़ार और तृतीय वर्ष का चौंसठ हज़ार रुपये यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है और डिप्लोमा की बात करें तो फर्स्ट ईयर का छियालीस हज़ार सेकेंड ईयर का इकतालीस हज़ार और सर्टिफिकेट कोर्स में आपको पैंतीस हज़ार रुपये यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स स्कॉलरशिप की बात करें तो लगभग इतनी ही आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है पर ईयर अब यहाँ पर हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पीसीबी से ट्वेल्थ होना चाहिए और कम से कम तैंतीस परसेंट आपके होना चाहिए आरक्षित वालों को और जनरल वालों को चालीस परसेंट अगर पीजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर इन बी एम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम पचास परसेंट एग्रीगेड के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए ऐसे ही अब देखते हैं हम आवेदन शुल्क आपको कितना लगता है ऑफलाइन आपके फॉर्म भरे जाते हैं स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आपको आवेदन शुल्क तीन सौ का पेमेंट करना पड़ता है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को और जनरल वालों को पाँच सौ का डीडी बनवाना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल ऑटोनोमस सोसाइटी के नाम से दे होता है इसके बाद आपकी जो आयु है वो सत्रह से कम नहीं होनी चाहिए ऐसी फ्रेंड्स जब आपकी काउंसलिंग होती है तो पाँच हज़ार रुपये का आपको यहाँ पे डीडी बनवाना पड़ता है सीट अलॉटमेंट नहीं होती तो आपको ये बा पाँच हज़ार रुपये वापस कर दिए जाते हैं ऐसे ही फ्रेंड्स काफ़ी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है आपको यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके मेरिट के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होंगी फ्रेंड्स ऐसे ही आपको टीसी माइग्रेशन सारे कुछ यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ये डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं टेंथ की मार्कशीट आपकी ट्वेल्थ की मार्कशीट टी सी माइग्रेशन जाति प्रमाण पत्र आपका आय प्रमाण पत्र ई ये यह सारे यहाँ पर दस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लगने वाले हैं इसके बाद ये आप देख सकते हैं इसका जो आवेदन पत्र का प्रारूप है इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और एक लिफाफे में बंद करके डी डी एप डी लगा के फ्रेंड्स दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट या डाक आप कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी अब हम बात करते हैं इसके 2021-22 के लिए जो एडमिशन है वो कब स्टार्ट होंगे तो 2021 के आप देख रहे होंगे कि जनवरी माह में स्टार्ट हो चुके थे जनवरी और फरवरी में फ्रेंड्स इसके जो फॉर्म हैं वो आ गए थे इस बार भी आप देख सकते हैं कि अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं क्योंकि लास्ट ईयर ये थे जो अक्टूबर नवंबर तक आ जाते थे फॉर्म लेकिन इस बार काफ़ी लेट हुए जनवरी में आए क्योंकि कोविड की वजह से तो इस बार हम अंदाज़ा लगता लगा सकते हैं कि दिसंबर या जनवरी तक इसके फॉर्म फिर से आ सकते हैं तो फ्रेंड्स इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो इसकी जानकारी भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन से संबंधित तो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे हम पूछ सकते हैं इधर